बड़वा के नावघाट खेड़ी स्थित नर्मदा तट पर कई वर्षों से चल रहे रेत के अवैध उत्खनन को लेकर जिला कलेक्टर गोपाल चंद्र डांग के निर्देशन पर एसडीएम एसपी सिंह एसडीओपी मान सिंह ठाकुर सहित राजस्व पुलिस व टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए छापामार कार्रवाई की गई। कार्रवाई की भनक लगते ही रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया है। बड़वा की ग्राम पंचायत नावघाट खेड़ी स्थित नर्मदा नदी पर वर्षों से रेत माफियाओं द्वारा खनिज संपदा की चोरी करते हुए लाखों रुपए की रेत का उत्खनन कर वारे नारे हो चुके हैं। प्रशासन की प्रभावी कार्रवाई के अभाव में बुलंद हौसलों के चलते रेत माफियाओं ने नर्मदा नदी पर बने ओंकारेश्वर नहर परियोजना के एक्वाड पुल के बने पिलर के पास भी खनन किया है। इसके साथ ही नदी को बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील भी कर दिया है, जिससे पुल को भी खतरा होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, जबकि पुल के 500 मीटर के आसपास के क्षेत्र में उत्खनन पर प्रतिबंध है। नर्मदा तट पर बड़े पैमाने पर हो रहे उत्खनन की शिकायत पर जिला कलेक्टर ने गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई के आदेश पर एसडीएम सहित एसडीओपी के अमले ने पहुंचकर पत्थरों के बीच करीब 2 किलोमीटर पैदल चलकर तट का निरीक्षण किया। इस दौरान गड्ढों के समीप करीब 5 ट्राली छनी हुई रेत जब्त की गई, जबकि अलग अलग गड्ढों के पास चलने से छनी हुई रेत के करीब 25 से 30 ढेर लगे हुए पाए गए। नक्शा भी दिया था पटवारी जी ने? नहीं नहीं, स्वीकृत हुआ क्या सर? उसने लिखा था माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पे, कलेक्टर साहब ने पंचायत को लिखा था कि आपको पूर्णतः इसकी अधिकार दे दिए गए हैं, बाकी इसके आगे आने वाले समय जब नियमावली जब तक नहीं आती जब तक आप स्थगित रखें। यस, ये होने का भी खंती है, कोई खंती खोजना पड़े जैसे भी सर। देखो भाई, पंचायत पूरी जनता जनार्दन अगर सहमत है खोद दीजिए, ठीक है सर, इधर भी खोद दीजिए। और कहाँ रास्ता है? एक आगे सर। कहाँ आगे है सर?